गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में ऐसा क्या कह दिया कि आज उनका भाषण पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। झारखंड का गोड्डा लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है। गुमराह करने वाले तथ्य, निराशावादी डर और डर की जो पराकाष्ठा हो सकती है कि डर के आगे कुछ नहीं है, हम कभी जीत नहीं सकते, उस तरह के भाषण को देखा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तब आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी। सांसद ने कहा कि अब सच्चाई ये है कि आज झारखंड में आदिवासियों की संख्या घटकर मात्र 26% रह गई है। सांसद ने कहा कि आदिवासियों की संख्या कम क्यों हुई, यह बात सभी जानते हैं पर कोई भी बोलना नहीं चाहता है। पूरे देश में परिसीमन हो गया, पूरे देश में परिसीमन हो गया। आप आदिवासी की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, हमारे यहाँ परिसीमन नहीं हुआ। आदिवासी की संख्या जो 36% थी वो 26% हो गई, ये पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। एक लोकसभा का सीट आदिवासी का और 3 विधानसभा का सीट घट रहा है, परिसीमन नहीं हो गया, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, यह खतरे का बड़ा संकेत है। आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात नहीं करेंगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? सांसद ने कहा कि बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है बल्कि वह सब के सब बांग्लादेशी हैं। पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में आते हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और भारत के नागरिक बन जाते हैं। स्थानीय सरकार सब जानती है लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे 2009 से इस संसद में, इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बांग्लादेश, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा हुआ है संथाल परगना में, चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो, अररिया हो। और हालत यह है, हमारी स्थिति यह है कि यहाँ विजय हाजदा बैठे हुए, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया और गाय काटने का जब मुसलमानों ने प्रतिरोध किया, अभी 15 दिन पहले पूरे बांग्लादेश वहां से आके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं, उन्होंने हमारी बहु बेटी का इज्जत लूटा, उनके घर को जलाया, उनके घर को भगाया। आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उनकी जनसंख्या नहीं है, पूरे देश भर में। सांसद ने केंद्र की सरकार से मांग की है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमें तो गर्व है, ये देश एक है, न जाति है न बिरादरी।